एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के 3 महीने बाद एक बार फिर से छिड़ चुका है दिशा सालन का भी मामला। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर दिशा सालन के हादसे को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। लगातार उनके हादसे को सुशांत के हादसे से जोड़ा जा रहा है और इस बीच दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को लेकर बड़ी खबर सामने आई। खबरों की माने तो रोहन रॉय इस समय मुंबई में है और वो पुलिस ऑफिसर्स के टच में भी है। कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि रोहन मुंबई से भाग गए हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से बात सामने आ चुकी है कि रोहन मुंबई में ही है। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा केस में रोहन पर किसी तरह का शक नहीं है, उनको शक के घेरे में कर आया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा सालन ने या तो खुद छलांग लगाई है 14वीं मंजिल से या फिर गलती से अपने फ्लैट से वो गिर गई है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मेडिकल रिपोर्ट की जांच की गई, वहीं कई तरह के टेक्निकल एविडेंस को भी इकट्ठा किया गया। पुलिस अपने स्टैंड पर कायम है और सुशांत और दिशा का कोई भी कनेक्शन नहीं है, पुलिस ने इस मामले पर साफ तौर पर कह दिया। वहीं खबरों की मानी जाए तो केस में हो रही बयानबाजी और मीडिया ट्रायल से रोहन खुश नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा केस में लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि रोहन या फिर दिशा के माता पिता कोर्ट का दरवाज़ा भी इस मामले पर खटखटा सकते हैं। वैसे इस समय दिशा को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी ज़रूर है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द इस केस में को बंद कर देगी और इसकी फाइल सौंप देगी। जी हाँ, ये है खबर दिशा सालन के मंगेतर रोहन रॉय को लेकर, जो मीडिया की खबरों से काफ़ी परेशान है और अब इस मामले पर खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाज़ा और यहाँ पर मांग सकते हैं कोर्ट से मदद। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।